हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक नया स्टॉक सबके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है पैसिफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस शेयर से रिलेटेड मैं पहले बात करूँ, सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि स्टॉक हमने अपने साथ जो हमारे साथ काम करते हैं उन्हें दे रखा है, तो इसलिए बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, और उन्हें नीचे के लेवल से दे रखा है तो उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। वीडियो में जब चार्ट पे चलेंगे तो सब चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसा शेयर है, बेकार शेयर है, अच्छा शेयर है, वो सब चीज बात करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, और सीखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो जाके देखना है। जितनी वीडियोस जाके देखेंगे उतना आपका भला होता हुआ नजर आएगा, बिलीव मी। ओके, फ्री में वीडियो मिल रही है और ऐसी वीडियो मिल रही है जहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है क्योंकि 8 से 10 मिनट के वीडियो में हम बात नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, शेयर क्यों भागता है, क्यों गिरता है, कैसे भागता है, कैसे गिरता है ना, क्यों लेना चाहिए, कौन सा शेयर लेना चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, कि ये जो जवाब है ना, ये ढूंढने की कोशिश करो तो आपको आपकी मंजिल दिख जाएगी। वही जवाब हम देते हुए नजर आते हैं। 25,000 का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटजी यूजिंग स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट्स, सब कुछ दिया जाता है। एक बार कोर्स कंप्लीट हुआ पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8860540501, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए और हमारे इस कोर्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। साथ में काम करना है तो भी आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके हमारे साथ यहाँ पर काम कर सकते हो। आगे बढ़ते, पैसिफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पर आप क्या करती है वो देख लीजिए। 1989 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये जो कंपनी है ना, एक्सपोर्ट करती है और मैन्युफैक्चर करती है किसका, ये ग्रेनाइट टाइल्स एंड स्लैब्स, क्वार्ट्ज स्लैब्स एंड अदर गुड्स एंड कमीशन एक्टिविटीज। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कंपनी है ये अलग अलग तरीके के मतलब टाइल्स हो गई, ओके, स्लैब्स हो गई, क्वार्ट्ज स्लैब्स हो गई, इनमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पर विजिट करो, आपको यहाँ पर सब कुछ पता चलती हुई नजर आएगी, कंपनी किस तरीके का काम है, क्या काम है, किस कहाँ पर ये कंपनी है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट है ना, साउथ इंडियन ग्रेनाइट, न्यू अराइवल्स इनके आते हुए नजर आ रहे हैं, तो अच्छा खासा इनका काम है। इनका आप जाइए, इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हो तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी ले लीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पर पता चलता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके के ग्रेनाइट यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इस अच्छा खासा काम है और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, वो देख सकते हैं। कंपनी से 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट फॉर द क्वारी एंड डज नॉट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ पॉलिश ग्रेनाइट स्लैब्स, तो हम बात करें 100% यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं ओरिएंटेड यूनिट्स का, तो यहाँ पर अच्छा खासा काम है। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप, तो 245 करोड़ रुपए की कंपनी है। मतलब क्या है, माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। तो जब हम जो ऐसे छोटे शेयर की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा जब कि हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरी, जब हम ऐसे छोटे शेयर की बात करते हैं तो एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखना है, कि जब ये शेयर भागते हैं बड़े अच्छे नजर आते हैं, कि शेयर कुछ ही दिनों में यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ भाग गए, कहाँ से कहाँ, पर जब गिरते हैं ना तो उसी तरीके से गिरते भी है कि 200 रुपए वाला स्टॉक 50 पे आ गया है ना, 200 रुपए वाला स्टॉक्स यहाँ पर कभी 40 पे आ गया, इसी तरीके से 500 वाला स्टॉक्स कब कब में 100 रुपए पे आ जाता है, तो वो आपको पता नहीं चलेगी। इसलिए सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, वही कला है, और वो करोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाओगे, और वही चीज हम अपने यहाँ पर कोर्स में सिखाते हैं। तो याद रखिए, आपको सही तरीके से काम करना है तभी आप विजय पा पाओगे स्टॉक मार्केट में, अदरवाइज 10-12% के ही रिटर्न बना पाओगे, ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाओगे। स्टॉक पी की बात करें, 22 का पी है, इंडस्ट्री का पी 33 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छे खासे पी की बात करें, कम पी यहाँ पर नजर आता है, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ कि पी के पीछे नहीं भागना, आपको किसके पीछे भागना है, आपको भागना है इस यहाँ पर चीजें किस तरीके से बिहेव कर रही है उसके पीछे, आपको कंपनी के बिहेवियर, चार्ट के बिहेवियर, आपको कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, ये सब चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब ये सब इस चीज का समावेश करोगे ना, तो आप अच्छे अच्छे यहाँ पर शेयर टाइमली पकड़ पाओगे और अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। आरओसी आरओई नहीं है, ठीक है, काफी लोग इस शेयर को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज को देखते हुए। तो इस चीज को याद रखिए, पी आरओसी आरओई ये एक तरीके का कहीं ना कहीं बात करें स्टॉक मार्केट में एक मिथ है, ठीक है ना।
और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है, ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा है। यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिव बुक वैल्यू तो यहाँ पर बिल्कुल कम नजर आता है। बुक वैल्यू देखिए 629 की बुक वैल्यू, यहाँ से तो लगभग लगभग डबल ही मान के चलिए। फेस वैल्यू की बात करें 10 का फेस वैल्यू है, तो यहाँ पर डिविडेंड ही कंपनी देती नहीं है। डेट की बात करें ज्यादा डेट भी नहीं है, 12% के आसपास का ही डेट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखोगे कंपनी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपनी के जो स्टार्टिंग जून में तो अच्छे खासे रिजल्ट मतलब सेल्स थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरती हुई नजर आई और अब दोबारा यहाँ पर कंपनी की सेल्स धीरे धीरे करके उठती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए 59 करोड़ की सेल्स है, जो कि क्वार्टरली बेस पर फ्लैट है बट ईयरली बेस पर यहाँ पर अच्छी खासी है। ईयरली बेस पर यहाँ पर प्रॉफिट देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा खासा काम किया है। यहाँ पर बात करेंगे मार्जिन तो मार्जिन भी यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर है इसके बेसिस पे। ईयरली बेस पर यहाँ पर देखोगे ईयरली बेस पर यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा डाउन साइड दिखाई दे रहा है, बट स्टिल कंपनी जिस तरीके से बिहेव कर रही है आप देख सकते हैं कभी ज्यादा कभी कम इस तरीके के यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पर देखिए कहाँ पर 95-67 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, अब कंपनी बीच में यहाँ पर 300 करोड़ तक भी गए थे, अभी 200 करोड़ के आसपास 190 करोड़ के आसपास की यहाँ पर सेल्स होती हुई नजर आ रही है ईयरली बेस पे। कंपनी का प्रॉफिट भी देखोगे जो घाटे में यहाँ पर थी वो धीरे धीरे करके 12-11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। यहाँ पर रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, 412-27 करोड़ के रिजर्व है और बोरिंग कंपनी की बिल्कुल 50 करोड़ के आसपास है। ये इस कंपनी को एक अलग कंपनी बनाती है, इसलिए जब बोरिंग कम रहती है ना उसका फायदा मिलता है कि कंपनी को इंटरेस्ट ज्यादा पे नहीं करना होता, फिर जो भी प्रॉफिट आता है वो कंपनी का ही जेब में ही जाता हुआ नजर आता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा 115 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें 46 करोड़ का कैश, और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% के आसपास है। DIIs यहाँ पर है नहीं, FIIs यहाँ पर है नहीं, बिल्कुल छोटी कंपनी है, बहुत कम दिखाई देते हैं ऐसे छोटी कंपनी में, बट स्टिल कभी कभी दिखाई भी देते हैं। पब्लिक की बात करें पब्लिक का 32% के शेयर है, उनमें भी आप देखेंगे तो काफी लोगों ने यहाँ पर अच्छी खासी 1-1% के आसपास की होल्डिंग लेके रख रखी है, तो इस चीज को भी आपको इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा देखोगे तो बीच में प्रमोटर ने है ना सेप्टेम्बर में ही लास्ट हम बात करें मंथ की तो अच्छी खासी यहाँ पर 2,30,000 शेयर लगभग 299 के प्राइस पे यहाँ पर लिए थे, उससे पहले देखेंगे 286 के प्राइस पे यहाँ पर 75,000 शेयर यहाँ पर लेते हुए नजर आए थे। हाँ यहाँ पर आप देखोगे तो उससे पहले भी यहाँ पर मार्च 2023 में यहाँ पर शेयर लेते हुए नजर आए, तो अच्छी खासी बाइंग हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये देखिए 39,000 शेयर फिर यहाँ पर 17 सितंबर को लेते हुए नजर आए, तो बाइंग सेलिंग चल रही है और अच्छी खासी प्रमोटर ग्रुप है ना वो यहाँ पर धीरे धीरे माल उठाता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे उसी बेसिस पे शेयर अच्छा खासा बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है जो मैंने आपको बताया दिया। ठीक है, अब बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो अच्छा खासा चल चुका है पहली बात, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पर हम बात करें नीचे दोबारा आता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के एक बार रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो भी आपको करना होगा उसके बेसिस पे यहाँ पर करिए। मुझे लगता है कि कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे आने चाहिए इस बार के, ठीक है, बट मेरे कहने पर किसी और के कहने पर नहीं लेना। अब बात करेंगे चार्ट की, बट याद रखिए चार्ट की बात करें उससे पहले रिक्वेस्ट है आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करना, चीजों को सीखने पे ध्यान देना। नंबर को नोट कर लीजिए, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो ताकि आप यहाँ पर कोर्स की डिटेल्स ले सके, और साथ में काम करना है तो भी आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमने ये शेयर लगभग 200 यहाँ पर आप देखोगे 224 225 224 रुपये 220 रुपये के आसपास यहाँ पर दिया था, उधर से आप देखोगे कुछ ही टाइम के अंदर अंदर ये शेयर लगभग लगभग 80% के रिटर्न यहाँ पर दे चुका है। ठीक है, अच्छे खासे बीच में ये भागा भी था, भागने का यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, फिर उसके बाद दोबारा भागता हुआ नजर आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए शेयर ने अभी मार्केट में गिरावट हुई तो यहाँ पर ये शेयर भी धीरे धीरे आ गया, आप जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर प्रमोटर्स ग्रुप यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग करते हुए नजर आ रहे, तो इस वजह से ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत गिरा है बट अपने एक सपोर्ट को यहाँ पर इसने पकड़ के रखा और आज भी लगभग ऐसी मार्केट में 2-3% की तेजी थी। क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, वो तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, बट मैं आपको लेवल दे देता हूँ। अगर कोई यहाँ पर ट्राई भी कर रहा है तो याद रखिए 340 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगेगा, जो कि लगभग लगभग 11 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, जो कि आप बात करोगे तो लगभग 3-4% की रिस्क है। टारगेट की बात करें तो यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ पर नजर आता है कितना, 412 रुपए के आसपास का, 410 मान के चलिए।
ठीक है। और इसके बाद ये शेयर जैसे ही 410 का लेवल क्रॉस करता है तो ये शेयर 531 की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई भी है। यहाँ पर आप देखोगे ऑल टाइम हाई लगभग लगभग 530 के आसपास का है, तो 530 के आसपास के यहाँ पर टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ से अगर 530 की जर्नी अगर ये तय करता है तो सबसे पहले तो आपके 15% के रिटर्न हो गए, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर 50% के रिटर्न। तो 50% के रिटर्न अभी भी बाकी है, बट स्टिल जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर आपको चीजें नहीं लेनी। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करना है, चीजों को सीखने की कोशिश करना है। चीजों को सीखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर पैसे बनेंगे। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ही क्यों बाइंग बनी थी, ठीक है, यहाँ पर ही क्यों सेल बनी थी। बहुत सारी चीजें आपको टेक्निकल में, आपको फंडामेंटल में इस कोर्स में सिखाई जाएगी। 25,000 रुपए का कोर्स है और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपए होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये कोर्स वर्थ कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद 1 साल की आप एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर किसी कोई आपको पकड़ नहीं सकता है फिर टेक्निकल फंडामेंटल कि किस तरीके से काम करते हो उसमें। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखने पर ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।